Tennessee. Jean Gibbon Academy. Apne aur mere delegation ka jo aatmiyata se swagat kiya iske liye main aapko hum Bharat ke log is baat ko bade garv ke saath register kar sakte hain ki shayad Bharat ka pradhanmantri pehla hai जिसको आपने कैपिटल के बाहर दो बार करके रिसीव किया है, ये अपने आप में भारत के प्रति प्यार, भारत के प्रति आपका स्नेह ये प्रकट होता है। आप स्वयं वहां आए, स्वागत सम्मान किया, ये भारत का स्वागत सम्मान है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी होता हूं। 尊敬的军机阁下，来到中国的武汉城市，我受到热烈的欢迎，我非常感谢。您对我国的代表团的热情款待，我表示非常感谢。对我印度的一个总理来说，其实你第二次去了北京以外的一个城市来到我怀疑，对这个来说，印度的每个人就感觉非常骄傲。 我们所有的印度人对这个表示感谢，我也很感激的。पिछली बार जुलाई में जब हम मिले थे और हमारे बीच अनौपचारिक बातचीत का विषय डेवलप हुआ और आज आपने इस अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए निमंत्रण दिया और एक शानदार वातावरण बनाया, बहुत ही सकारात्मक वातावरण बनाया और इसमें आपका व्यक्तिगत बहुत बड़ा योगदान है啊，这是我们热烈的祝贺。主席阁下，去年七月份，我提到了我们在一个非常适合那个方式进行里面，你对我的这个建议表示欢迎，然后今天我们就落实这个我们的一个建议，然后我对此表示感谢。除了这个以外的这个城市，你个人在这个方面做出了一些贡献。 और आपने सही फरमाया कि दुनिया के करीब करीब 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले दो देश के हम जिम्मेवार व्यक्ति जब मिल रहे हैं तब ये दो नेताओं की शिखर वार्ता ही है, ऐसा सीमित अर्थ उसका नहीं है। मैं उसमें बड़ा ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत का संदर्भ देता हूं। 所以这个峰会的那个意义非常大，不仅仅限于我们两个国家，还是大岛全世界和一些地区。 还有我们就是为这个原因，就是我们两个国家是稳定祖国，还有我们在中国们的稳定得到很多角色。而必须把它搞好，而包括一些历史的理解，是，比，前 2000 साल के इतिहास में 1600 साल ऐसे गए, 1600 years, जिसमें चीन और भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गति दी है, ताकत दी है और हम दो देशों की अर्थव्यवस्था 2000 में से 1600 वर्ष तक करीब करीब 50% हिस्सा हम दोनों का था और बाकी 50% में सारी दुनिया सिमटी हुई थी। 16 साल लगातार दो देशों का इतना बड़ा प्रभाव, ये बहुत बड़ी बात होती है। 主席阁下，在这2000年的历史里，一共有1600万年，我们印度和中国的那个经济占全世界的1000%，这个数字很大。这还有一至1600年，占全世界经济的1000%，不是一个少的事情，是很大的一个事情。 就我们两个国家的那个经济体，还有一半的全世界的那个经济体。
और इसका प्रभाव आर्थिक सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक वैज्ञानिक हर क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव हम दोनों के देशों के द्वारा विश्व को लाभ होगा। 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व हमारे पास है और 40% जनता का भला करने का मतलब है विश्व को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक सफल प्रयास है और उस महान उद्देश्य को लेकर के हमारा मिलना साथ चलना और संकल्पों को पूरा करना ये अपने आप में बहुत बड़ा अवसर है। 所以从这个角度来讲，我们的责任很大。所以我觉得，如果我们在这个方，非常是服务的方面，方式里面，所以全世界来说是一个非常重要的一个事情。然后我们可以影响很多一些印度，然后其他的一些贫穷国家或者贫穷人口，得到好处或者得到帮忙，在这个方面也可以发出一个积极的信号。 Excellency, मुझे आपके कांग्रेस के समय जो आपका वक्तव्य हुआ उसमें आपने न्यू एरा की बात की। मैं भारत में न्यू इंडिया की बात कर रहा हूं। ये इतना समान भूमिका वाला हमारी सोच है, मैं समझता हूं कि यही तय करता है कि आपका न्यू एरा का सपना और हमारा न्यू इंडिया का प्रयास ये अपने आप में विश्व के लाभ के लिए सही दिशा का हमारा कदम है। 十七大的时候，主席阁下发布一个演讲的时候提到中国的新时代，我非常注意到这个演讲，然后我们在印度现在搞一个新印度。 对我的从我的角度来讲，这两个思想是相似的，从这个方面我们可以帮忙很多世界的一些贫穷国家和对其他世界也有积极的影响。 Excellency, आपने विश्व में शांति स्थिरता के विषय का महत्व देते हुए जो कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि संसार में शांति स्थिरता और समृद्धि भारत और चीन मिलकर के बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। 我非常感，非常想，主席阁下刚才说了，对全世界的和平与稳定，我们两个国家能做出一个贡献。我以为我们两个国家这么大的国家，如果共同努力的话，在全世界实现和平和稳定和繁荣方面，可以做出一个积极的作用。而在，上世纪。 शांति स्थिरता और समृद्धि की दिशा में भारत और चीन चल रहे हैं, मैं उसमें 5 बहुत पॉजिटिव एलिमेंट देख रहा हूं। हमारे बीच की सोच, हमारे बीच का संपर्क, हमारे बीच का सहयोग, हमारे बीच के समान संकल्प, हमारे बीच के समान सपने, ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं, सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि इसकी ताकत बन सकते हैं। 对实现全球稳定和平与繁荣方面，中国和印度可以做出努力和发挥一个积极的作用。在这个方面，我要提到5个因素。这个因素呢，可以帮助我们实现我们的这个目标。第一个因素是同样的思想，第二个是我们可以加强接触，第三个是我们可以加强合作，第四个是我们可以下决心。 第5个是我们可以有共同的展望和共同的展望。
एक्सेलेंसी मैं सोचता हूं कि हमारे बीच का ये जो एक निकटता बनी है, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा हुआ है, एक दूसरे के प्रति समझ मिली है, ये धीरे धीरे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में किस प्रकार से कन्वर्ट हो और वो सबसे बड़ी ताकत बनेगी और वो सिर्फ हम दो देशों के नहीं दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए वो शक्ति बनेगी। 就是一个下，我觉得我们已经建立了很好的个人关系，我们可以加强我们的互相理解和互相信任。但是，我愿意我们可以把这个这所有的我们两个领导人之间的信任和理解，可以转移到我们人文角度方面。在这样来说，我们可以加强我们双边的人文关系。 और जब मैं विश्व की स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो उसमें हमारे पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट अंतर्निहित है और जब मैं स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो मेरे लिए एस स्टैंड फॉर स्पिरिचुअलिटी, टी स्टैंड फॉर ट्रेडिशन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी, आर से रिलेशनशिप, ई से एंटरटेनमेंट यानी हमारे मूवीज हैं, हमारी कल्चरल एक्टिविटी है, हमारे डांसेस हैं, हमारा म्यूजिक है, हमारे म्यूजियम्स हैं, और ए से आर्ट, एन से नेचर, हिमालय हमें जोड़ता है, प्रकृति हमें जोड़ती है, और एच से हेल्थ सेक्टर। ये स्ट्रेंथ इन अक्षरों के साथ हमारी पूरी योजना हम बना सकते हैं। 对，如果我们加强我们那个世界的稳定和平的话，我们可以加强我们人文之间的交流。我用一个英文词叫 strength 加强，来表述我们的这个看法。 那个S 是精神，那个 D 是传统，技术和贸易，那个 R 是关系，那个 E 是娱乐，包括我们之间的一些舞蹈啊、音乐啊、艺术啊，还有电影。N 是自然，包括我们的喜马拉雅山。G 是体育，D 是H 是那个医疗方面，还有一些身体健康方面。 这是旅游，如果我们可以如实这些我的建议的话，我们可以加强我们之间的人文关系。所以，strength, STR, and GTH， 我相信，在世界的经济体系，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 我相